अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और आज है 6 मार्च और कल आपके भाई की फ़्लाइट है दुबई के लिए 7 मार्च को रात 11:30 बजे। और दुबई जाने से पहले जो आपको पता है, आपको वहाँ जो दोस्त यार होते हैं जो पाकिस्तान से जाकर वहाँ रह रहे होते हैं, वो कहते हैं अगर वहाँ पाकिस्तान से जो कोई भी हमारा जानने वाला आ रहा है तो उसको फरमाइशें कर देते हैं हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए वो ले आना। तो इस तरह मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फरमाइशें किया कि आते हैं हमारे खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए वाली कुछ चीज़ें जैसे पाकिस्तान में पाए वगैरह मिलते हैं, तो कुछ दोस्तों ने वो फरमाइश किया। तो अब हम पहले जाएंगे, ज़रूरी अपनी चीज़ें लेंगे आज के लिए, क्योंकि कल फ़्लाइट है ना, तो आज ज़रूरी ज़रूरी काम जो चीज़ें हमारी लेने वाली हैं वो हम ले लेंगे। तो अभी हम चलते हैं पहले पाए लेने, आपको मैं दिखाऊंगा फैसलाबाद में जो अच्छे पाए हैं वो कहाँ से मिलते हैं। और आइए। हाँ जी, तो हम पहले पाए लेने गए थे लेकिन पाए वाले दुकान पाए वाले बेच के निकल चुके थे। तो फिलहाल अभी आपको पता है और हमें दही बल्ले भी लेने हैं और साथ रस भी लेने हैं मक्खन वाले। तो फिर सोचा ये कि पाए अब कल ले लेंगे और आज हम ये ना अपने दही भल्ले पहले ले लेते हैं और फिर रस वगैरह भी ले लेते हैं। तो अभी दही भल्ले लेने में यहाँ पे आ गए बाबर चौक में। ये दुकान खुरम हैं, इनकी दुकान का नाम ये है। तो इनको अब कह दिया कि ये दही भल्ले पैक कर दें और ये ना पैक कर रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। भाई ये मेरे पैक कर रहे हो दो? मैंने सुबह जाना, मैं जाकर फ्राई कर लूँगा ना फ्रीज। यार सुबह टाइम नहीं ना होना, चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा लेनी है। अपना के नाम कोई नहीं सही था, खराब हो जाएंगे। फ्रिज भी रखोगे ना, फिर फ्रिज भी कटोगे तो फिर उसको लेके जाओगे तो सही नहीं रहने। उसी कारण 2-3 बजे गया वहाँ के लाइए ना, तो 2-3 घंटे का कोई मसला नहीं होता, 5-6 घंटे का कोई नहीं। जरूर डाल नहीं फ्रिज रखने, फ्रिज के बाद कट के तुम लाइन उठे उतो लेके जाओगे, फिर आप दोबारा लेके जाओ। चलो जी, भाई कह रहे हैं कि आप कल को आग ले जाना, अगर आप आज जाके रखोगे फ्रीज करोगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी फिर हम ऐसे करते हैं कि हम जाकर अपने जो मक्खन वाले रस हैं वो ले लेते हैं और फिर कल को आगे इनसे ले लेंगे। हम शिमला पे आ चुके हैं तो अब यहाँ से हम ना अपने रस वगैरह ले लेंगे, क्योंकि दही भल्ले और जो पाए हैं और जो हमारी मेडिसिन है वो तो हमारी कल पर बाहर चले गई। तो आज का दिन भी ज़ाया नहीं करते क्योंकि अभी और भी कुछ काम है वो भी करने हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम ना रस अपने ले लेते हैं मक्खन वाले, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर हम कल ले लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई मक्खन वाले रस दे दें 4 पैकेट, 4 रस। हाँ ये रस के पैकेट, ये वाले, हाँ हाँ 4, ये 4 पैकेट हमें दे दें। ये 150-250 ग्राम का ना इसका वज़न? ठीक ठीक। ये बिल हो गया, बिल ले लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो जैसे कल हमारे पाए वगैरह रह गए थे यहाँ, पाए लेने आए थे। फिलहाल मैं इस टाइम डीग्रण में खड़ा हूँ पलवान निहारी पे और यहाँ से पाए लेने आए हैं। बाकी और सामान भी है वो भी हम ले लेंगे। फिलहाल हम पाए वाली दुकान पे चलते हैं ताकि दुबई जाने से पहले हमारे पाए ना रह जाए, क्योंकि ये लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आए सबसे पहले यहाँ जा कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल पाए 3 प्लेटें कर दें अंकल, डब्बे में ही कर दें। हाँ जी बस। ये यहाँ पाए तैयार हो रहे हैं। ये अब इधर ध्यान डलवा रहे हैं हम। ऐसे यहाँ आसपास और भी हैं लेकिन इनका जायका ज़रा सबसे अच्छा है, तो इसलिए हम इनके पास ही आए हैं। और ये डी ग्राउंड में तकरीबन 40-50 साल से यहाँ पे हैं पहलवान निहारी वाले। निहारी है लेकिन इनके पास पाए वगैरह भी होते हैं, नाश्ता फिर वो भी सब चीज़ होती है इनके पास। हाँ जी, तो हमने यहाँ से पाए ले लिए हैं। पाए लेके अब हम हमारे वो आखिरी सामान हमारा रह गया है दही भल्ला वाला, वो लेंगे। फिर हमारी कल वाली जो तैयारी है वो मुकम्मल हो जाएगी। इस पर पैकिंग, अभी सारी पैकिंग हमारी रहती है, पैकिंग भी करनी है लेकिन वो आखिरी 1-2 घंटे में करेंगे हम। और ये व्लॉग भी अपलोड करना है, तो चलें फिर इसके बाद आप दुबई में ही इंशाल्लाह मिलेंगे।